रूपमंजरी चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसे ही समुद्र में से विष की बाढ़ निकल पड़ी। रोते रोते देवता प्रभु के पास में गए। हमारे ब्रज के संत तो बड़ा सुंदर चुटकी लेते हैं, पर देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले देखो भाई, ये जहर वहर पीना तो मेरे बस की बात है नहीं, अपन को तो माखन मिश्री खाना आता है। बोले महाराज, त्रैलोक के दहनात विषात, ये त्रिलोकी को नष्ट करने वाला विष है, इससे कैसे रक्षा हो? तो प्रभु ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ और सुनो, मेरा नाम नहीं लेना, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संत विनोद करते। शिवजी से प्रार्थना की तो शिवजी के बगल में माता जी बैठी है। जब स्तुति सुनी तो शंकर जी भी मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले, अहो बत भवानी एतत् प्रजानाम पश्य वै शशम क्षीरोद मथुनोद भूता कालकूटाद उपस्थितम। ये तो कालकूट विश्व उपस्थित हो गया है, क्या करें? जानती हो, देवता सब स्तुति कर रहे हैं, मेरा वंदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब मुझे विनम्रता पूर्वक जहर देना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं तो विष पीने वाला हूं नहीं। तो माता पार्वती ने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रभु, आपके विष पान करने से त्रिलोकी के लोगों का संकट निवृत्त हो सकता है, तो मैं आपको विष पान करने की अनुमति देती हूं। लेकिन वहां सुखदेव स्वामी ने तुरंत सुधार कर दिया। बोले पार्वती माता ने शिवजी को विषपान करने की आज्ञा दे दी, आप ये न सोचे कि हम कोई कम पतिव्रता थोड़े ही हैं, हम कोई छोटी मोटी पतिव्रता थोड़े ही हैं, हम भी कह देंगे पतिदेव से, पी जाओ पतिदेव, तुम भी। ये पतिदेव तो राम नाम सत्य डेढ़ मिनट में हो जाएंगे। इसलिए वहां सुखदेव ने सुधार किया। ध्यान से सुनना, कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी को विषपान करने की आज्ञा तो दी, पर क्यों दी? क्योंकि प्रभाव ज्ञान मोदत। माता पार्वती शंकर के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको अनुमोदन कर दिया विषपान का। प्रभाव न जानती तो क्यों कहती? ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अवक्षियन महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने उस पूरे विष को अंजलि में ले लिया और पान कर लिया। तो समस्या यह हो गई, अंदर जाए तो गोविंद बैठा, इधर तो गोविंद बैठा, उनको तो मीठा माखन खाने की आदत है, और बाहर निकालूं तो सारी दुनिया जल के राख हो जाए। इसलिए भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में धारण करके रखा, तो नीलकंठ हो गए, सब लोग जानते। अब समुद्र में से बड़े बड़े रत्न निकले, पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकल रहे हैं। और कहते हैं अप्सराएं निकली और चंद्रमा निकला, द्वितीया का बाल चंद्र बोलते हैं उसे, बालेंदु, वह भी समुद्र से पर। चंद्रमा को द्विज बोलते हैं, ध्यान देना, चंद्रमा का नाम द्विज क्यों है? कि इन्होंने दो बार जन्म लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि सब लोग दो बार जन्म लेते हैं, एक बार मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं और एक बार संस्कारों से जन्म लेते हैं, उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म होता है, इसलिए वो द्विज है। और चंद्रमा भी द्विज है, क्योंकि एक बार तो समुद्र में से प्रकट हुए और दूसरी बार माता अनसुईया के यहां अत्रि मुनि के घर प्रकट हुए, इसलिए वो द्विज कहलाते हैं। बारुणी मदिरा निकला, देख के बोले हम लेंगे, प्रभु बोले ले जाओ। अब तो निकली माता लक्ष्मी, ततस्याविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी माता निकली सो महाराज कमाल हो गया,
भीड़ लग गई, बोले इनको तो हम लेंगे और हम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी माता ने तो केवल नारायण का वर्ण किया, मेरे प्रभु का ही वर्ण किया, और का कैसे कर सकते थे। अमृत कलश को साथ में लेकर के भगवान धन्वंतरि पधारे। दैत्यों ने सोचा लाइन लगाने के चक्कर में रहे तो लक्ष्मी जैसे न मिली ये भी मिलेगा नहीं अपन को। धन्वंतरि पूरे पधारे ही थे कि दैत्यों ने कलश छुड़ा लिया और चले गए। देवता तो देखते रह गए, मेरे गोविंद मोहिनी बनकर आए, विश्व मोहिनी। हाँ, और दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को लेकर देवताओं को ही पान कराया। सूर्यचंद्र के बीच में सर्वभानु नाम का दैत्य आ गया था, अब उसने पी लिया था तो इधर भी था, इधर भी था, तो ये भी जीवित और ये भी जीवित, राहु केतु हो गया। इसका मतलब क्या है राजन? कि गोविंद के चरणों में जिसका विश्वास है, प्रभु चरणों में जिसकी निष्ठा है, उसके हाथ से छूटी हुई वस्तु भी उसे सकुशल प्राप्त हो जाती है। और प्रभु चरणों में जिसका विश्वास नहीं है, वो हाथ में आए हुए पदार्थ का भी उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। देवताओं का विश्वास था ना, इसलिए हाथ से गया हुआ अमृत भी वापस मिल गया, और दैत्यों को विश्वास नहीं है तो हाथ में आए हुए अमृत को भी वो पी नहीं पाए। प्रभु ने देवताओं को ही दिलाया। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुणम रोध सुगन्य तो राजन स्तुमलो रोमहर्षण। रोमहर्षण युद्ध छिड़ गया और सब देवता विजयश्री को प्राप्त हो गए। शंकर भगवान देखने आए थे, मोहिनी रूप को देखते ही रह गए। बड़ी सुंदर कथा है, विश्व मोहिनी का चमत्कार प्रभु ने भोलेनाथ को भी दिखा दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं परीक्षित, कि मेरे गोविंद जैसा दरबार तो किसी का है ही नहीं। एक बार इस दरबार में जो आ जाता है ना, उसको भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान है, उनको सुनना पड़ता है। गोविंद सबको सुख प्रदान करते हैं, किसी भी जीव की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और विशेषकर जो भक्त हैं, अनन्यास चिंतियंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरा चिंतन जो करे उसका तो योगक्षेम वहन करता हूं मैं। अच्छा, एक बात आपसे कहें, ये जरूरी नहीं है कि देवकुल में जन्म लेने वाले सब भक्त ही होंगे, तो ये आवश्यक नहीं है कि दैत्यकुल में जन्म लेने वाले सब दुष्ट ही होंगे। कभी कभी दैत्यकुल में भी परम भक्त जन्म लेते हैं, प्रहलाद आदि, और कभी कभी देवकुल में उच्च पद पर बैठकर भी लोगों की बुद्धि दैत्यों जैसी हो सकती है। श्रीमद् भागवत में देवस्थान ऊंचा नहीं है, देवताओं का जो पद है वो बहुत ऊंचा नहीं है। भागवत के अनुसार तो देव होना बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बड़ी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब राजा बलि जो है ये प्रहलाद के पौत्र हैं। गुरुजी से बोले महाराज अब वो तो अमृत पान कर चुके, अब क्या किया जा सकता है। बोले अमृत पान करने वालों को भी परास्त तो कर ही सकते हैं, मार नहीं सकते, और उसके लिए तो गुरु सेवा गौ सेवा आदि आवश्यक है। राजा बलि ने बड़ी निष्ठा से गुरुदेव आचार्य के आदेश का पालन किया, और धीरे धीरे अवसर देखकर शुक्राचार्य ने बोल दिया कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और केवल स्वर्ग नहीं, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। तीनों लोकों के सम्राट बन गए महात्मा बलि। एक बात कहूं, पुत्र के जीवन में यदि कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। मां का हृदय एकदम व्याकुल हो जाता है, और देवताओं की माता अदिति कहां जाए, अपने पति कश्यप के चरणों में वंदन करने लगी।
कश्यप जी क्या है, देवता और दैत्य दोनों के पिताजी हैं। देवता और दैत्यों की माताजी दो हैं, लेकिन पिताजी एक ही है। तो कभी चले जाते हैं दो चार वर्ष में तपस्या से, फिर लौट के आए, फिर कुशल क्षेम पूछ लिया। कश्यप ने देखा कि अदिति आजकल चिंतित हैं। देखो जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है ना, वो एक दिन नहीं जा पावे तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। सन 78 में जब वृंदावन में बाढ़ आई थी ना, यमुना जी के जल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, हाँ, गली गली में नौकाएं चली थी। ज्ञान गुदड़ी में तो हम लोग नौका से घूमने आए थे, बोलो जय श्री कृष्ण, हाँ, इतना इतना पानी था ज्ञान गुदड़ी में। उन दिनों वृंदावन में एक छोटा सा सत्संग भवन है, गिरधारी मंदिर। उन दिनों गिरधारी मंदिर में मैं गर्ग संगीता की एक घंटे रोज कथा कहता था। जब मैं भागवत कथा से आता, थोड़ा समय रहता, तो वहां सुनाता कथा। अब उस दिन उससे क्या हुआ, वो बाढ़ बहुत आ गई ना, तो दो दिन कथा नहीं हुई। तो हमारे वृंदावन में बहुत माताएं जो नियमित श्रोता हैं, तीसरे दिन जब कथा में गई तो बोली, लाला हमें तो ऐसा लगे कि तीन दिन से भोजन ही ना मिले, खुराक नहीं मिली। रोज जिनको सत्संग की चाह लग जाए, चस्का लग जाए, एक दिन न मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब जिनका नियम है कि राधा रमण देव जी की मंगला आरती किए बगैर पानी नहीं पिएंगे, एक दिन मंगला नहीं मिली तो उनको अच्छा नहीं लगता। गुरु मंत्र की 10 माला जपनी, उसके बाद ही नाश्ता होगा, एक दिन नहीं जप पाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। महात्मा कश्यप ने देखा, ये उदास क्यों है, देवी पूजा पाठ ठीक चल रहा है ना, सब काम नियम से हो रहा है ना, पर उदास क्यों है आप। बोली, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेधिन गृहा इमे। सब ठीक से चल रहा है पर एक बहुत कष्ट है। क्या बात है, मेरे पुत्र इंद्र के त्रिलोकी को बलि ने छुड़ा लिया, और मेरे पुत्र जो देवता हैं बिचारे मारे मारे डोल रहे हैं, पतिदेव मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत संकट में पड़ गए हैं। अच्छा, बलि ने कर लिया कब्जा। बोले, हां जी, अब मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती, ऐसा पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आ जावे जो देवताओं के त्रिलोकी को लाकर उन्हें सकुशल वापस दिला दे, ऐसी कृपा कर दे। कश्यप जी एक बार तो बड़े गंभीर हो गए, बोले, क देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति पर कस्य के पति पुत्राद्या मोहे कही कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, प्रभु ने कैसी ममता बनाई है, हैं? मेरे पुत्र को संकट आ गया तो मुझे कष्ट है, पड़ोसी के पुत्र को संकट आ जाए तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं, पर देवी तुम्हारी भावना में हिंसा नहीं है और किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं है, इसलिए मैं इतना सुंदर तुम्हें अनुष्ठान बताऊंगा जिसको पयोव्रत कहते हैं। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत, ये केवल 12 दिन का व्रत है पयोव्रत, इसका तुम्हें पालन करना है, ठीक है। प्रतिपद्दिनम आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिपदा से त्रयोदशी शुक्ल पक्ष फाल्गुन में यह व्रत तुम्हें करना होगा। माता दिति ने बड़ी निष्ठा बड़े नियम से किया, यज्ञेश भगवान की पूजा बताई, बड़ी सुंदर स्तुति गाई, जैसा पति ने बताया विधि से किया। भगवान बोले, माता मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा, मैं सब समझ रहा हूं, प्रभु आशीर्वाद, आश्वस्त करके चले गए। इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा, देखो बहुत सीधी सीधी बात बोल देते हैं अपन, क्या बोले, इस समय बलि के ऊपर हो गई है गुरु की कृपा और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव की जिन पर कृपा हो जाए
भगवान होकर भी युद्ध में मैं भी उसे परास्त तो नहीं कर सकता, एकदम पक्की बात है। अब आप लोग मेरी शरण में आए हैं, उधर आपकी मातुश्री बड़ा अनुष्ठान कर रही हैं, मैंने उनको वचन भी दिया है, भैया एक काम हो सकता है। बोले क्या? मैं स्वयं बामन बनकर के जाऊं, राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर तुम्हें समर्पित कर दूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बोलो मंजूर है? देवता बोले आपकी जैसी मर्जी महाराज, ठीक है तो प्रतीक्षा करो अपन आते हैं। तो श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्त जन्म दक्षिणम। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अच्छा एक बात और बताएं, ये भादों का जो महीना है ना जी, वो जरा ज्यादा ही बढ़िया हो गया है। हां मेरे कन्हैया का प्राकट्य किस महीना में हुआ? भादों में। किशोरी जी किस महीना में पधारी? भादों में। बलराम जी किस महीना में पधारे? भादों में। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा किस महीना में सुनाई? इसलिए मेरे गोविंद बामन बनकर भी पधारे भादों में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे। एक बात और बता दें, ये भगवान जितने भी होते हैं ना हमारे यहां, सब 12 ही बजे होते हैं। फर्क केवल इतना है, कोई दिन में 12 बजे तो कोई रात में 12 बजे, पर भगवान 12 ही बजे आते हैं ज्यादातर। हां ये 12 बजे का मुहूर्त ज्यादा अच्छा होता है ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिषी लोग बोलते हैं। तो महाराज भगवान तो आगे 12 बजे दिन में ठीक पधारे। अब माता जी देख करके गदगद हो गई। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा, मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मेरे बामन भगवान को देखकर के सब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े आनंदित हुए, सब लोग बड़े आह्लादित हुए। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बटुआ सा मुंह है। हमारे ब्रज में जो बहुत सुंदर बच्चा होता है ना, माताएं उसको ऐसा ही बोलती हैं, ये बहना देखो तो सही कितना सुंदर है, बटुआ से मोहको, ऐसा बोलती, बहुत सुंदर है, मोती जैसे दांत, बिंबापल जैसे ओष्ठ, शंख जैसी ग्रीवा, बड़ी सुंदर कमल नेत्र, सुंदर है बामन भगवान, पर हैं टोटल बामन अंगुल के 3.5 बिलांद के। अब उनको देखकर के सब देवता दौड़े, महाराज सपत्नी पधारे, सबने पूजा करी। और सबसे पहले क्या हुआ, श्री बृहस्पति जी महाराज आए। बृहस्पतिर् ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। ऋषि बृहस्पति जी ने बामन भगवान को पहले धारण कराया जनेऊ। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम, उन्होंने जनेऊ धारण करा दिया। माता ने कौपीनाथ छादनम, माता मैया बोली नंगाई खड़ाए बैठा, इसको मैं कम से कम कौपीन तो पहनाऊं, सो माता ने कौपीन धारण करा दी। देव छत्रम जगत पते, दिशाओं ने बामन भगवान को छत्र समर्पित कर दिया। और कमंडलम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो ददौ, बामन भगवान को ब्रह्मा ने कमंडल दिया, और ये सप्तर्षि लोग हैं ना, उन्होंने बामन प्रभु को भजन करने को कुशाखा आसन दे दिया। हाँ अब देखो माला भी तो चाहिए, तो कहते हैं अक्षमाला महाराज सरस्वती भी आत्मना, देवी सरस्वती मां पधारी, उन्होंने बामन भगवान को रुद्राक्षमाला दे दी, अक्षमाला प्रदान कर दी। हाँ पर भिक्षा कौन दे, भिक्षा का पात्र तो खाली है,
तो भिक्षा माता कात्यायनी ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान कर दी। बोले जय श्री कृष्ण कि भिक्षां भगवतीं साक्षात् उमादादंबिका सती। माता कात्यायनी प्रकट हुई, वामन प्रभु को आशीर्वाद दिया और उनके पात्र में भिक्षा भर दी, हीरे जवाहरातों से पूरा पात्र भर दिया। आहा, अन्नपूर्णा देवी के रूप में आकर के मां कात्यायनी ने उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी। इस प्रकार से सब हुआ और बिल्कुल आधा मिनट में आकर के पंडित जी ने पूजा करवा दी। आधे से पौन मिनट भी लगे तो नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। और मौन कराई क्योंकि वो जब मंत्र बोलते हैं तो मुझे डर लगने लग जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने मौन रूप से तुरंत पूजा करा दी। वामन भगवान गोपाल जी एक ही बात है और महाराज देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, 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 जाके घूंगर वाले बाल 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 मेरो यशोदा को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल 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 मेरो यशोदा को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा 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 को लाल, जाके घूंगर वाले बाल 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 मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल 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 मेरो यशोदा को लाल, हरि 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 बोल, चाल मेरो यशोदा को लाल, बने वामन कृपाल प्यारो नंद जी 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 को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, भगवान वामन का बड़ा सुंदर सपने दर्शन किया और सब लोग मन में आनंदित हो गए। वामन भगवान राजा बलि के यहां जाने से पहले वो भिक्षा में जो मिला था ना, माता जी को
आज्ञा लेकर गुरु जी को देने लग गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही वो गुरुदेव को प्रदान करने लगे, गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से अपना काम तो नहीं चल सकता, हमें प्रसन्न करना है तो राजा बलि के मंडप में जाइए और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आइए। भगवान बामन तो बामन भगवान राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद है तो ये कार्य जरूर पूरा होगा। और वो सीधे बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बीच में थोड़ा व्यवधान आ जाने से फिर ध्यान भंग हो जाता है, पर आचार्य चरणों की आदत होती है, वो करते हैं जरूर गड़बड़। जय श्री कृष्ण। जो अपने विप्र बंधु है ना, वो ऐसा हो ही जाता है। बामन भगवान सीधे राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। और बलि महाराज बड़े समाधिस्थ होकर के पूजा में लगे हैं। एक बात आपसे कहूं, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जिससे हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही हमारा मस्तिष्क यदि झुकने लग जाए तो समझना उसमें दैवी शक्ति जरूर है, पक्की बात है। उसमें दैवी शक्ति जरूर है। और ये बामन भगवान को बलि ने दूर से देखा और गुरुदेव से बोले गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंडप में साक्षात भगवान सूरज नारायण आ रहे हैं क्या। शुक्राचार्य बोले राजन सूरज नहीं तो चंद्रमा तो कन्फर्म है, चंद्रमा तो है ही, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। छोटे छोटे चरण है, जरा से खड़ाऊ है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में कुशा का आसन है, ऊपर छाता चल रहा है, चार अंगुल की लंगोटी पहन रखी है, मोटा जनेऊ है और माला अखंड चल रही है। जय श्री कृष्ण। बड़े गदगद हो गए महात्मा शुक्राचार्य। और बलि महाराज ने बामन प्रभु को देखा और वे तो खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षां मन्ये त्वार्ज वपुर्धरम। आपका स्वागत करता हूं। राजा बलि ने बामन भगवान के चरणों में झुक के प्रणाम किया, आपकी क्या सेवा करें। बामन भगवान बड़े प्रसन्न, मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की तपस्या आज आर्ज वपु लेखन के मेरे मंडप में आ गई, क्योंकि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य सुष्ट क्रतुरयम यद्भवान आगतो गृहान। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज यज्ञ भी पावन बन गया भगवन जो आप पधारे। प्रभु ने सोचा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। हाँ, आए तो थे त्रिलोकी को लेने, माला अखंड चल रही है। राजा बलि बोले मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य, पूर्व जन्म के सुकृत उदय हो गए जो आप मेरे यहां पर पधारे हैं। अब आप अपने छोटे से मुख से आज्ञा कर दीजिए, पहले तो ये बताइए आप आए कहां से। आपका आश्रम कहां है।
आपका निवास स्थान कहां है, आपके गुरुदेव? बलि बोले, बोलते क्यों नहीं गुरुजी? गुरुजी बोले, दिख नहीं रहा, अखंड जाप चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, बीच में कैसे बोलेंगे? बलि की और श्रद्धा हो गई और चरणों में गिर के बोले, आपके श्री मुखारविंद के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, लेकिन मैं आपको दूं और वो आपके काम ना आवे तो क्या फायदा है? इसलिए मैं चाहता हूं अपने श्री मुख से आप एक बार बोलो क्या सेवा करूं। कि गाम कांचनम गुणवत् धाम अमृष्टम तथा न मे उत्तवा विप्र कन्या कि ग्रामान समृद्धान स्तुनगान गजाल्बा बतोर यथा अरहत संप्रयच्छ। क्या सेवा करूं आपकी? आपको 2-4 हजार गऊ दान में दे दूं, सोने का महल बना के दान में दे दूं? सुनिए, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दें? पता नहीं क्यों आपके स्वरूप के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, मन के सब कुछ दे दूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, आप बोलो ना अपने छोटे से मुख से। कन्हैया ने देखा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, सोमाला पूरी कर ली। आप बलि हैं जी? आपने पहचाना, अच्छा पहचाना, मेरे को बलि बोलते जी। राजन, आपके पूर्वजों की स्मृति मुझे है और मैं उनका कहां तक ज्ञान कराऊं तुम्हें? उनका यश त्रिलोकी में फैला हुआ है। आपके पिताजी दानी, आपके बाबा दानी, आपके पर बाबा दानी। आप भी कोई दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो महात्यागी हूं, एक पैसा भी कभी दान में लेता ही नहीं मैं तो। और क्यों लेना जी, धूप लगती है तो छाता है, बैठने के लिए आसन है, जलपान करने के लिए कमंडल माता जी ने दे दिया एक मैया ने, माला भी दे दी एक माता श्री ने, भिक्षा का पात्र भी है, जनेऊ पास में है, गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। भैया, कामनाओं के स्टंप लगा दिया हमने तो। भागवत कथा को पूरा सुनने के लिए रूपमंजरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वे शेयर करें। राधे राधे।